हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुशील वर्मा मार्बल फ्लोरिंग पर। आज हम बताएंगे 9-12 की टाइल कैसे लगाई जाती है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये हमारी लाइन है जो कि आधा इंची इसके अंदर स्पेस दिया गया है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं और ये 9x12 की टाइल है और इसके अंदर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये आप देख सकते हैं मसाला लाइन में डाल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब ये मसाला है जो करंडी की सहायता से हम इसे लेवल में कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से बिछाने के बाद में मसाले को आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये 18 इंची के ऊपर सूत है जो हमारा वो बंधा हुआ है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत ना भूलें। और ये आप देख सकते हैं करंडी की सहायता से मसाले को लेवल में अच्छी तरह से बिछाया जा रहा है, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ध्यान रखें, मसाला बिछाते टाइम ध्यान रखें मसाले को लेवल में बिछाना है, वरना आपकी लाइन है जो सही तरह से नहीं लगेगी, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, करंडी की सहायता से मसाले को अच्छी तरह से बिछाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। दोनों साइड में सूत है जो कि बंधा हुआ है और हम ये लाइन लगाएंगे तो डबल सूत बांधेंगे और पूरा मसाला बिछाना है। हम आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये फुल लाइन है जो बजरी और सीमेंट का मिश्रण है। और ये थोड़ा सा मसाला नरम रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा सूखा भी मत रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, मसाला का सही मिश्रण होना ज़रूरी है, वरना आपको टाइल लगाते समय कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखें और हम आपके लिए न्यू डिज़ाइन की वीडियो है जो कि लाते रहते हैं, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये हमारी लाइन के अंदर मसाला है जो सीमेंट और बजरी का मिश्रण है, वो उसे लेवल के अंदर अच्छी तरह से सेट कर दिया गया, ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कहीं पर भी कोई डोब नहीं है, कोई खड्डे नहीं हैं, जो कि एकदम लेवल के अंदर बिछा हुआ है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस मसाले और सीमेंट के मिश्रण के ऊपर अब हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखें मसाले के हिसाब से ही पानी डालना है, ज़्यादा ना ही कम। अगर ज़्यादा या कम पानी डालोगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप देख सकते हैं। कुछ टाइम काम करने के बाद में पानी डालने का भी आपको अच्छी तरह से हिसाब किताब आ जाता है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। पानी डालने के बाद में आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर सीमेंट का मिश्रण है जो कि सीमेंट का घोल बनाया हुआ है, वो इसके ऊपर डालेंगे, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम जो मिश्रण है उसे हमारी लाइन के अंदर अच्छी तरह से डालेंगे, ये आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है, ये आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये सीमेंट का मिश्रण है जो कि हम पूरी लाइन के अंदर डालेंगे, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सीमेंट का मिश्रण भी थोड़ा थोड़ा डालना है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डाल दो ना कम डालना है। मसाला को अच्छी तरह से कवर हो जाए उतना सीमेंट का मिश्रण है जो कि लाइन के अंदर डालना है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से सभी साइड से अच्छी तरह से। और अब हम आपको बताएंगे टाइल, ये आप देख सकते हैं ये डबल सूत बंधे हुए हैं 9x9 इंची पे। अगर 9x18 की टाइल है तो 9x9 इंची पे सूत बंधेंगे, ये आप देख सकते हैं। आधा इंची की जीरी है जो कि 9.5 19 इंच पे सूत बंधा हुआ है, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक टाइल को लगाएंगे, फिर इसे हथौड़े की सहायता से इस दोनों सूत से मिलाकर सेट कर देंगे, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और जिस भाई को अगर फिक्स जीरी रखनी नहीं आती तो इस जीरी का नाप भी बना सकता है, जैसे कि हमने बना रखा है एक पत्थर के टुकड़े जितनी जीरी है जो कि हमने सभी साइड से रखी हुई है, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अच्छी तरह से हथौड़े से टाइल को सेट करना है, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हम टाइल हथौड़े की सहायता से टाइल को सेट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और तब तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें आप इस वीडियो को, ताकि हम आपके लिए न्यू टेक्निकल वीडियो है जो कि आप तक पहुँचा सकें, आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों,
ये टाइल है जो कि हथौड़े की सहायता से हम इसे सेट कर रहे हैं, ये इसे मिला रहे हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कोई भाई कमेंट करके भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा टाइल का नाप बनाया हुआ है जिससे कि हम टाइल को सेट कर रहे हैं। आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई तो कोई भाई कमेंट करके भी पूछ सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसी प्रकार हम पूरे रूम की लाइनें हैं जो कि अच्छी तरह से सेट करेंगे। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये 9x12 की टाइल है जिससे हमने एक नाप बना के रखा है। उस नाप की सहायता से हम सभी टाइलों को एक एक करके लगा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, न्यू टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पे मार्बल और टाइल से संबंधित न्यू वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, ये आप देख सकते हैं।